Hello friends, welcome to Pharmacist and Drugs, to another episode of this channel. I am Abhimanyu and today I am going to talk about a new protein which has been invented as the predictor of coronavirus. तो एक नया प्रोटीन के बारे में पता चला है जो कि कोरोना वायरस को के होने से पहले ही पता लगाया जा सकता है। तो ये सुनने में ही अजीब है कि अच्छा किसी ये जो डिजीज है एक तो बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई है और पहले ही जो है उसके होने से पहले ही कैसे पता लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये जो रिसर्च है ये क्रिटिकल केयर एक जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ है। उस उन साइंटिस्ट का कहना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस होने वाला है तो उनके इम्यून सिस्टम पे जो है इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जितने भी बहुत सारे देशों में जो है कंट्रोल में आ चुका है और अभी भारत में भी जो है कोरोना वायरस बहुत सारे राज्यों में फैल रही है और ज्यादा मात्रा में। तो आप देखिए कि बहुत सारे पेशेंट्स को जिसको हुआ है तो एक तो तरीका है उनको इसको कंट्रोल में करने का कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जाए और उनको फिर इंटेंसिव केयर यूनिट का भी जरूरत है, फिर उसके बाद वेंटिलेशन का जरूरत है। लेकिन ये सबको मुहैया नहीं कराया सकता क्योंकि ज्यादा फैसिलिटी सबके सबको अगर हो गया तो कैसे हो सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसा उपाय का जरूरत है कि नॉट ओनली टू टेस्ट बट ऑल्सो टू प्रिवेंट, होने से पहले ही पता लगाया सके, ऐसा कुछ मेथड का पता लगा। तो अभी जो है फिलहाल में ही एक प्रोटीन का पता चला है जो कि एक प्रेडिक्टर का काम कर रहा है ये कोरोना वायरस का। तो फ्रेंड जब भी ये जो कोरोना वायरस किसी को होने से पहले ये जो है इम्यून सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है, ठीक है, ये उस रिसर्च जर्नल में लिखा हुआ है, क्रिटिकल केयर जर्नल में। मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जब ये कोरोना वायरस होता है किसी को तो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होगा और उस इम्यून सिस्टम में इफेक्ट होने के कारण जो ये रिसेप्टर प्रोटीन है जिसका नाम है सोल्यूबल यूरोकाइनेज प्लाज्मिनो एक्टिवेटर रिसेप्टर, ये जो है ब्लड में इसका मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये जैसे बढ़ेगा वो पेशेंट को इंट्यूबेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इंट्यूबेशन एक खास तरह का मेथड है जिससे कि पेशेंट्स के मुंह में वो वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये मात्रा बढ़ेगा, ठीक है, ये जो सॉल्युबल यूरोकाइनेज प्रोटीन जो ये है, ये जो रिसेप्टर है, अगर ये ब्लड में मात्रा इसका ज्यादा है तो उन साइंटिस्ट का कहना है कि ये इंट्यूबेशन का जरूरत पड़ सकता है, मतलब वेंटिलेशन का जरूरत पड़ सकता है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि पाया गया है कि इसके कारण जो है COVID-19 के साथ कोरिलेशन पाया गया। और ये जो रिसर्च है ये बेसिकली आपका 15 और 57 ये टू डिफरेंट प्लेसेस पे किया गया और दोनों ही जो है ग्रीस में हुआ है, ठीक है। टोटल 72 पेशेंट्स पे इसको किया गया। तो उनका कहना है कि ये रिसर्च जो है ऑल्दो ये कम लोगों पर किया गया है ये रिसर्च, मतलब ये जो क्लिनिकल ट्रायल है जो इंसान पे जो रिसर्च किया गया है ये कम पेशेंट्स के ऊपर किया गया है, तो ये और भी ज्यादा टेस्ट करने का जरूरत है इसका, मतलब ये फुल प्रूफ है कि नहीं। तो ये अभी हाल में ही क्रिटिकल केयर जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि ये सॉल्युबल यूरोकाइनेज प्लाज्मिनो एक्टिवेशन रिसेप्टर ये जो प्रोटीन है ये क्योंकि कोरोना वायरस जो है अगर इफेक्ट करता है अगर हमारे मुंह में और या नाक में जो ACE2 रिसेप्टर है, ठीक है, ACE2 रिसेप्टर, इससे पहले मैं बता चुका हूँ ACE2 रिसेप्टर। तो ये जैसे सेल हुआ और सेल में ACE2 रिसेप्टर वहां पे आकर ये कोरोना वायरस जुड़ेगा, ठीक है, ये कोरोना वायरस जुड़ेगा और फिर जो है ये इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने के कारण जो है ये ब्लड में जो है इसका मात्रा ये जो सॉल्युबल यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिसेप्टर जो ये है ये इसमें बढ़ जाता है और उसके बढ़ने के कारण जो है पेशेंट को जो है इंट्यूबेशन का जरूरत पड़ सकता है। इंट्यूबेशन का मतलब हुआ कि वेंटिलेशन का एक पद्धति है, एक मेथड है, उसका जरूरत पड़ सकता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है इस प्रोटीन का, इसका मात्रा अगर बढ़ा तो इट इज बेसिकली अ प्रेडिक्टर। तो फ्रेंड्स तो ये SUPAR प्रोटीन इज अ प्रेडिक्टर फॉर COVID-19, इज पोटेंशियली अ एक्टिवेट पोटेंशियली इट इज अ पोटेंशियल प्रेडिक्टर ऑफ कोरोना वायरस, मतलब इसका एकदम बहुत ज्यादा फुल प्रूफ नहीं है लेकिन ये रिसर्च में इनिशियल प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है।
तो और ये लोग ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और अपडेट देंगे। तो ये जो प्रोटीन है, इससे पहले भी जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में भी इसका रोल पाया गया है, ठीक है, कैंसर में, प्रोलिफ्रेशन में, माइग्रेशन में, जो कैंसर सेल्स होते हैं जब वो तेज रफ्तार से भागते हैं, या फिर एक जगह पर किसी को कैंसर हुआ और दूसरे जगह पर फिर से कैंसर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटास्टेसिस। तो वहां उसमें उसमें भी इसका रोल है, ठीक है, इस प्रोटीन का। और ये प्रोटीन जो है उस टाइम पे भी जो है डिफरेंट बॉडी का जो बायोफ्लूइड्स है, बायोफ्लूइड्स का मतलब जैसे कि किसी का ब्लड हो गया, ब्लड सेरम या प्लाज्मा, या फिर आपका यूरिन हो गया, या CSF हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, इन सारे में इन सब इसका जो मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो SUPAR प्रोटीन है, आप इसको सुपार बोल सकते हैं, और इसका टेक्निकल टर्म है सॉल्यूबल यूरोकाइनेस प्रोटीन, सॉल्यूबल यूरोकाइनेस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर प्रोटीन। ये खास तरह का रिसेप्टर है जो कि ब्लड में बढ़ जाता है इस COVID-19 के होने से पहले ही। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च था, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सो नमस्कार।